स्वागत है श्री परमहंस कोचिंग सेंटर में। आज हम सब पढ़ेंगे अकार्बनिक यौगिकों का अणु सूत्र बनाना। अकार्बनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक हो उसको अणु सूत्र बनाने के लिए एक धनायन और एक ऋणायन की आवश्यकता होती है। धनायन अर्थात केटायन, यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है और धनावेश होता है। जैसे कापर है, कापर एक परिवर्तित संयोजकता दर्शाता है, कापर एक परिवर्तित संयोजकता दर्शाता है। अब यदि कापर में एक इलेक्ट्रॉन अपना दान कर रहा है तो क्यूप्रस हो जाता है, यदि दो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो क्यूप्रिक हो जाता है, इसी प्रकार फेरस हो जाता है, फेरिक हो जाता है और अन्य सभी है। ऋणायन, ऋणायन में जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक अधातु है जो कि उसके पास एक विशेष कैपेसिटी होती है, नाइट्रोजन सहसंयोजी बंध भी बना सकता है अपने ही परमाणु के साथ। यदि नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यदि नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या हो जाता है, नाइट्राइड हो जाता है। इसी प्रकार सल्फर यदि दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या हो जाता है, सल्फाइड हो जाता है। नाइट्रेट आपका एनओ थ्री माइनस होता है, सल्फाइड आपका एसओ थ्री माइनस टू होता है, सल्फेट एसओ फोर माइनस टू होता है, बाई सल्फाइड होता है एच एसओ थ्री माइनस। चलिए जैसे आपसे पूछ दिया गया कि बताइए सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम जानते हैं जो सोडियम होता है यानी इसमें प्लस एक होता है, सोडियम का क्या होता है, प्लस एक होता है। अब सल्फेट का पूछा है, सल्फेट, सल्फेट आपका क्या होता है, एसओ फोर, एसओ फोर पर डबल माइनस। सल्फेट का क्या होता है, एसओ फोर पर डबल माइनस। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाने के लिए इसका जो आवेश होगा ये वाला आवेश जो माइनस दो है ये सोडियम की तरफ लग जाएगा और जो सोडियम का आवेश है वह सल्फेट की तरफ लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा एन ए, इसका कितना आवेश है दो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एन ए टू, उसके बाद एसओ फोर। ये आपके पास सोडियम सल्फेट का फार्मूला होगा, ये आपके पास सोडियम सल्फेट का फार्मूला होगा। इसी प्रकार कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यदि कैल्शियम पर हमारे पास दो टू प्लस होता है, कैल्शियम पर दो टू प्लस होता है और कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट पर कितना माइनस होता है, दो माइनस होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका बैलेंसी इसके पास, इसका बैलेंसी इसके पास, क्या हो जाएगा CA, यहाँ पे दो माइनस है दो CO3 का होल ट्वाइस, इसको सरल अनुपात में लिख देंगे क्या हो जाएगा CA CO3, ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का आपका क्या होता है Ag पे प्लस, सिल्वर क्या होता है Ag पर प्लस, नाइट्रेट का क्या होता है NO3 पर माइनस, NO3 पर माइनस क्या हो जाएगा, इसका जो चार्ज है इसके तरफ, इसका जो चार्ज है इसके तरफ, क्या हो जाएगा Ag NO3। इसी प्रकार हम बहुत हजार दो हजार फॉर्मूला बना सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा धनावेश होता है और कौन सा ऋणावेश। चलिए किताब में सवाल देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो हम जानते हैं जो सोडियम होता है उसपे प्लस वन चार्ज होता है, जो सोडियम होता है उसपे प्लस वन चार्ज होता है और बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला आपका क्या होता है एच सी ओ थ्री पर माइनस वन, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है HCO3 पर माइनस वन। तो क्या करेंगे, जब इसका अणु सूत्र लिखेंगे तो आपका Na आपका इस प्रकार हो जाएगा, उसके बाद HCO3, ये हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम प्लस वन बाइसल्फाइड HSO3, HSO3 पर माइनस क्या हो जाएगा, इसी प्रकार इसका भी कर लेंगे, इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा Na प्लस सही है, आपका हो जाएगा HSO3। हम जानते हैं अमोनियम, जो अमोनियम आयन होता है अमोनियम पे प्लस वन चार्ज होता है, अमोनियम पर प्लस वन चार्ज होता है, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है NH4 पे प्लस। अब अमोनियम के साथ यदि अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला पूछ दिया है, चलो सल्फेट का क्या होता है SO4 पे डबल माइनस, पर डबल माइनस क्या करेंगे, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखने के लिए अब हमारे पास SO4 पे डबल माइनस है, क्या हो जाएगा NH4 का होल
गया प्लम्बिक क्लोराइड। प्लम्बिक का आपका फॉर्मूला होता है पी बी और चार प्लस, और क्लोराइड जो होता है आपका सीएल, सीएल से क्या होता है माइनस, सीएल पर क्या होता है माइनस, सीएल पर क्या होता है माइनस, क्या हो जाएगा सीएल पर आपका माइनस हो जाएगा। इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका एक चार्ज है तो आपका केवल पीबी होगा, उसके बाद इस पे चार्ज है तो सीएल फोर हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा प्लम्बिक क्लोराइड। इसके लिए नाम लिखने के लिए यौगिक का अणु सूत्र बराबर आपका फॉर्मूला होता है धनायन का नाम, धनायन का नाम प्लस ऋणायन का नाम। किसी भी अकार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद किसका नाम लिखते हैं ऋणायन का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम, आपका सोडियम होता है Na प्लस, इसके साथ हमको जोड़ना है फॉस्फाइड Pb थ्री माइनस, इसका अगर अणु सूत्र हम बनाएंगे क्या हो जाएगा, Na आपका रहेगा ही, इसमें माइनस तीन है तो Na थ्री हो जाएगा और P हो जाएगा। अब नाम में सबसे पहले किसका नाम लेते हैं धनायन, धनायन क्या आपका सोडियम, इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम और पी का आपका फॉस्फाइड। इसी प्रकार हम बहुत सारे यौगिकों का नाम निकाल सकते हैं। तो मिलेंगे हम आप सबसे अगले वीडियो में, आशा करते हैं आप सबको समझ में जरूर आया होगा, यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा।